खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री बलिया से लाइव। एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, मेरे कहने से पहले बजा दी। मेहमानों से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ मंच पर इस वक्त अरुण सिंह बंटू जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से। जोरदार तालियां भैया बजाइए, अपने मेहमान आप ही के बीच से हैं। हमारे साथ बीएसपी से संतोष राम जी हैं, बहुत बहुत अनिल राय जी, माफ कीजिएगा अनिल राय जी हैं। इसके अलावा ब्रजेश सिंह गौड़ कांग्रेस से हमारे साथ यहां मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां तीनों ही मेहमानों के लिए। और चूंकि ब्रजेश सिंह जी आपके पास खड़ा हूं, तो पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूं। सवाल मेरा यह है कि दिग्विजय सिंह जी आपके यहां जब भी मुंह खोलते हैं आपकी फजीहत करा देते हैं। अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पुलवामा में आतंकी हमला नहीं हुआ बल्कि दुर्घटना थी। वो कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही 14 तारीख को जिस दिन पुलवामा में हमला हुआ, 15 तारीख को माननीय श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम ही नहीं पूरा विपक्ष सेना और सरकार के साथ खड़ा है। और आज आप ही सवाल उठा रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठाया। अमित शाह जी बतावे ना कहां से लिस्ट आ गई 250? क्या वो मेराज के आगे बांध कर रखे गए थे क्या? उनको कहां से 250 अमित शाह जी आ गई? या अमित शाह जी बतावे या कोई नहीं जानता? या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारत जलाओ पार्टी है। या भारतीय जनता पार्टी में जब जब खून की धारा बही है भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर राजनीति करते आए हैं। कांग्रेस कभी शहादत पर राजनीति नहीं करती। कांग्रेस का इतिहास रहा है, दो प्रधानमंत्री कांग्रेस ने खोया, एक मुख्यमंत्री कांग्रेस ने खोया, तो कांग्रेस का एक लंबा गौरवमयी शहादत का इतिहास रहा है। हमने देश के लिए शहादत। और कांग्रेस के गौरवमयी इतिहास में दिग्विजय सिंह ओसामा को ओसामा जी और हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब भी कह चुके हैं। देखिए, जब कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि हम सेना के साथ हैं, अरे सेना का जवानों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने जाकर यह स्ट्राइक किया। उनका छप्पर इनका सीना ना पिए, मोदी जी का 6 इंच का सीना आप मत ना पिए। सेना ने स्ट्राइक किया है तो सेना का सीना आपको नापना चाहिए। लेकिन एक गंभीर सवाल कांग्रेस ने यहां पर उठाया है, मैं बीजेपी के मेहमान से पूछना चाहूंगा। अभी अभी हमारी रक्षा मंत्री ने भी साफ किया कि सरकार का वही स्टैंड है जो विदेश सचिव ने कहा, उन्होंने बयान दिया। अमित शाह 250 का आंकड़ा बता रहे, विदेश सचिव ने तो कोई आंकड़ा ही नहीं बताया था। तो ये कांग्रेस पूछ रही है कि 250 का आंकड़ा अमित शाह को किसने बताया? सबसे पहले तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को और आतंकवाद को अलग थलग करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में पिछड़ता हुआ देखकर इस नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के ऊपर जिस प्रकार से हमला कर रही है वो अति निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अरे लेकिन ये तो वैसे ये तो अगर आपको लगता है वैसे ही पिछड़ रहे थे तो येदियुरप्पा ने क्यों कहा कर्नाटक में इस एयर स्ट्राइक से फायदा होगा, 22 से 28 सीटें बढ़ेंगी? येदियुरप्पा जी ने 130 करोड़ भारतवासियों की जो जनभावना थी आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की जो लड़ाई है उस लड़ाई को देखते हुए उन्होंने कहा कि हर भारतवासी ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी इस आतंकवाद की लड़ाई में पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में शायद कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। क्यों साहब, आप नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग कर दें, आतंकवाद को की कमर तोड़ दें? आप नहीं चाहते क्या? यह कितनी हास्यास्पद चीज है। यह कांग्रेस से बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं। अरे 1971, 1948, अरे तमाम इतिहास कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास नहीं है, देश की सेना के पास है। मत भूलिए, देश की सेना का गौरव है। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी जी श्रेय ले रहे हैं यह स्ट्राइक का, कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर अभी तो आप अरे तो कांग्रेस तो कांग्रेस आप ये बोलकर कांग्रेस को श्रेय नहीं दे रहे? कौन? कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। 71 में पाकिस्तान को कांग्रेस ने धूल चटाई, नरेंद्र मोदी श्रेय ले रहे हैं, ये क्या बात हो गई? नरेंद्र मोदी जी यार इटाई का श्रेय क्यों ले रहे हैं भाई? हमारे सेनाओं कहां ले रहे हैं? उन्होंने आज भी धार में कहा कि ये श्रेय मेरा नहीं है, इन लोगों का है, 130 करोड़ की जनसंख्या का है। सुन लीजिए, जिस समय वो कह रहे हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, हमारे 5 सैनिक मार दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं देश नहीं बिक रहा। 5 सैनिक मारे जा रहे हैं वो तो दुर्घटना है। दिग्विजय सिंह ने कहा दुर्घटना है, दिग्विजय सिंह ने कहा दुर्घटना है। मैं अपने सेना को सलाम करता हूँ, सेना के स्वर को सलाम करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी हमेशा सेना के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए। आप सलाम करते, दिग्विजय सिंह कहाँ करते? वो तो कह रहे दुर्घटना हुई पुलवामा में। राहुल गांधी ने कहा कि हम सेना के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। मैं राहुल गांधी की नहीं दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूँ, उस पर तो कुछ कह दीजिए। और 14 तारीख को
प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपके लोग राहुल और प्रियंका पर सुई अटकी हुई है इनकी। अरे दिग्विजय सिंह पर कुछ कह दीजिए। भाई साहब, प्रियंका जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शहीदों के सलामी के लिए स्थगित किया और मोदी जी ने डेढ़ घंटा एयरपोर्ट पर शहीदों के चिताओं को इंतजार करवाया। यह है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में और मोदी और भाजपा के। दिग्विजय सिंह आपकी पार्टी में है कि नहीं? जब हमारे सीनियर नेता है दिग्विजय सिंह जी, तो उन्होंने तो दुर्घटना बताया पुलवामा को। राहुल गांधी ने कहा कि फिर राहुल गांधी बोलिए बोलिए। आप सभी लोग देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से दोगली राजनीति का प्रचलन चला आ रहा है, कांग्रेस पार्टी में जो जितना गंदा बयान भारत के खिलाफ देगा, सेना के खिलाफ देगा, उसके उतने ही अंक बढ़ते हैं। तो वो दिग्विजय सिंह का कसूर नहीं है। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी में पिछड़ चुके हैं, तो वो अपना अंक बढ़ाने के लिए राहुल गांधी के पास इस प्रकार का अपशब्द बयान दे रहे हैं। उसकी जितनी भी निंदा की जाए, भारत के इतिहास में ऐसे कलंकित नेताओं को राजनीति से बाहर निकालने की आवश्यकता है। हमारे कल के कार्यक्रम में गाजीपुर में बसपा के जो मेहमान आए थे, उन्होंने एक नया सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा ये एयर स्ट्राइक हुई ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सेना के शहीद जवानों को नमन करते हैं। सेना के साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश के सारे लोग हैं। जो भी घटना हुई अत्य दुखद घटना थी। दिग्विजय सिंह तो कह रहे दुर्घटना थी। हम दिग्विजय सिंह पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अपने दल की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दिग्विजय सिंह एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, उसमें सफाई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं देंगे, कांग्रेस के लोग देंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलेआम उस दिन उनका बयान आया और सारा कार्यक्रम हम लोगों का रद्द रहा। हम लोग सेना के जवान के साथ हैं। जो भी सेना के लोग अपने ऐश्वर्य को दिखाएंगे, अपने ताकत को दिखाएंगे और निश्चित रूप से सेना को खुली छूट जो अभी मिली है वो पहले मिल गई। इसका श्रेय मोदी जी को देते हैं? नहीं, देते हैं, लेकिन जो अभी मिली है वो पहले मिल गई होती तो पुलवामा की घटना नहीं हुई होती। चलिए, लेकिन फिर भी शौर्य पर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। जनता के सवाल ले लेता हूं भैया, आप अपना सवाल पूछिए। मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं कि सौरभ कालिया की जब शहीद हुए, उनके शव को साथ छेड़छाड़ किया गया, उसके बाद आपके जो शहीद का सर काटा गया, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय क्यों नहीं किया? आज बता रहे हैं कि इतना सर कटा तो ये हुआ वो हुआ। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आपका नंबर था तो आपने कुछ नहीं किया। अगर कोई देश के लिए कर रहा है तो आप प्लीज उसका अपमान न करिए, देश उसको देख रहा है। सवाल के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि वो बार बार सेना के जवानों पे सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं। पूछूंगा मैं भाजपा से के कैंडिडेट से पूछना चाहता हूं कि बार बार सैनिकों पे हमला होता है, पुलवामा तरह के तमाम कांड होते हैं, क्यों नहीं भाजपा सरकार उस पर डायरेक्ट अटैक करती है और पाकिस्तान का उन्हें सबूत कर देती है? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं जो यहां जनप्रतिनिधि खड़े हैं कि आप ये सवाल दाग कर क्या दिखाना चाहते हैं? 60 साल आपकी सरकार रही है, 6 साल में उससे पहले भी रही है, 10 साल आपकी सरकार है, मोदी जी ने जो 5 साल में कर दिखाया देश के किसी राजनीतिक करने वाले व्यक्ति ने नहीं दिखाया है। सर, ये भारतीय जनता पार्टी में मोदी है तो मुमकिन है, अन्यथा कांग्रेस की सरकार में ये मुमकिन नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक। सर, मैं कहना चाहता हूँ मोदी जैसा मर्द अभी इंडिया में पैदा नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ दस्तान के साथ कहना चाहता हूँ मोदी है तो मुमकिन है। और सर्जिकल स्ट्राइक पे जो लोग सवाल उठाते हैं, मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि उसके दो रास्ते हैं, या तो अब एयर स्ट्राइक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, उन लोगों को साथ लेकर के सेना जाए और दिखाए, और दूसरी चीज मोदी जी लोगों के घर में सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है। मोदी है तो मुमकिन है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जब संसद में हमला हुआ था, आपकी सरकार थी, आप लोग समय क्यों नहीं हमला किए, पाकिस्तान को क्यों नहीं जवाब दिए? पूछ लेता हूं, पूछूंगा। 26/11 के हमलेवरों को 6 साल लग गए फैसला लेने के लिए, मोदी जी ने 15 दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। सेनाओं से राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राष्ट्रहित में काम करते हैं और राष्ट्रहित में जो काम करता है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर देश सुरक्षित था तो में है तो 40 सैनिक कैसे मारे जाते हैं, RDF कैसे आता है, हमला कैसे आता है, सुरक्षित हाथों में नहीं है। चौकीदार चोर है, चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार।
शहीदों की पत्नियों को पेंशन मिलना चाहिए, आज तक पेंशन नहीं मिला है। शहीद की पत्नी कहाँ जाएंगी? मोदी जी उनको पेंशन बनाने का व्यवस्था। ठीक है, पूछ लेता हूँ। दोनों सवाल। कांग्रेस से सवाल, 26-11 हुआ तब आपने क्या कर लिया? जब सौरव कालिया के साथ छेड़छाड़ हुई तब आपने क्या कर लिया? जब हेमराज का सिर कटा तब कांग्रेस की सरकार ने क्या कर लिया? क्यों नहीं तब आज की तरह पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा? कांग्रेस को कोई देशभक्ति का सबूत, मैं पहले भी कहा, यह पहली बार ऐसा राहुल जी ने किया है कि कहे कि हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं, और कांग्रेस को देशभक्ति का सबूत यह भारतीय जलाओ पार्टी के लोगों से नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, सुन लीजिए, चाहे संसद पर हमला हुआ हो, फांसी पर किसने चढ़वाया? क्या मोदी जी ने चढ़वाया? क्या फांसी पर कांग्रेस और कांग्रेस की गवर्नमेंट चढ़ाया रातों रात जम्मू कश्मीर में जाकर? जिन भी लोगों ने भारत के खिलाफ आंख उठाई है, कांग्रेस पार्टी और सरकार और सेना और संगठन के लोगों ने उसका माकूल जवाब दिया है, यह इतिहास गवाह है। अरे दिग्विजय सिंह को भी समझाइए ना, ओसामा जी, हाफिज सईद साहब करते, यही लोग तो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाते हैं। कभी भी इतिहास के पन्ने को फाड़ कर इतिहास नहीं लिखा जाता है। कांग्रेस पार्टी का एक गौरवमय इतिहास है और हमेशा आतंकवादियों को कुचला है, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हैं, सबको नेस्तनाबूद किया है, और जो जो भारत के ऊपर अंगुली उठाएगा उस अंगुली को समाप्त कर दिया जाएगा। यह कांग्रेस पार्टी और सरकार और सेना का संगठन का लक्ष्य है। बढ़िया साहब, बढ़िया भाषण। अच्छा, वहाँ चौकीदार चोर है के नारे भी लग रहे थे। मैं कभी ऐसे लोगों की आवाज दबाने की कोशिश के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि सवाल है तो जवाब आपको देना पड़ेगा। एक सवाल ये भी आया था कि संसद में हमला भी आपके कार्यकाल में हुआ, तब क्यों नहीं पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया गया था? नहीं नहीं, चौकीदार आप बोलिए, आपकी आवाज सुन रहे सब। चौकीदार चोर उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों को चोरी करने का अवसर नहीं मिला। हमारे प्रधान सेवक ने कहा कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हमारा चौकीदार पूरी रात ईमानदारी से चौकीदारी करता है। वो सारे लोग इस समय चौकीदार को चोर कहने में लगे हुए हैं जिनको चोरी करने का अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसे सारे लोग आज नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए एक बार फिर जनता के पास चलते हैं, इधर से किसी का सवाल, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं कांग्रेस के अपने क्लाइंट से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो कपिल सिब्बल को ईवीएम के चेक करने के लिए लंदन भेज सकता है तो लाशें गिनने के लिए पाकिस्तान नहीं भेज सकता है? मुझे ये पूछना है कि जो पुलवामा हमला हुआ है, जो कराया है, वो किसकी सरकार में छोड़ा गया था? उसको कंधार उसको ले गया गया जो किसकी सरकार में? उस समय अटल जी की सरकार थी। तो हम लोग या मीडिया के लोग ये बात क्यों नहीं करते हैं कि मौलाना मसूद अजहर अटल जी की बीजेपी की सरकार में छोड़ा गया था? डोंट सर, एक सेकेंड, हमारा देश हमारे जाबाज सेना के सिपाहियों से सुरक्षित है, न कि इस जुमलेबाज से। आपका हो गया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सवाल ये भी आया बीजेपी के लिए कि जब देश सुरक्षित हाथों में है और मोदी है तो मुमकिन है, तो 40 सैनिक कैसे शहीद हो गए, 300 किलो आरडीएक्स आ कैसे गया? देखिए, हमें जिस प्रकार से आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जैसे ऐसे ही कुछ भारत के अंदर भी आतंकवादियों को सह देने वाले कुछ देशद्रोही देश के अंदर भी हैं जिनकी भी शिनाख्त की गई है, और उनके ऊपर भी भारत सरकार जवाबी कार्रवाई कर रही है। चलिए एक बार फिर पब्लिक का रुख करते हैं। जी हाँ, आराम से खड़े रहिए, मैं सबके पास आऊंगा भाई साहब, आऊंगा। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को उसी के हिसाब से जवाब दिया। साथ ही साथ उनसे एक आग्रह करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप धारा 370 हटाइए और जितने भी महा मिलावट दिख रहे हैं उन पे भी एक एयर स्ट्राइक कर दीजिए धारा 370 हटा के। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश में बुलेट प्रूफ की जरूरत नहीं है, देश में सेना के जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि बुलेट प्रूफ हटा करके पहले देश के सेना के ब्लड प्रूफ जैकेट। साथ ही साथ बसपा के यहाँ श्री अनिल राय जी है, मेरा उनसे एक प्रश्न है, यहाँ अगर माननीय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर यूपी में यह चाल चलते हैं कि 37 पर मेरा लाल और 37 पे शिवपाल, तो फिर यह 2014 की तरफ जीरो पे आएंगे, ये अपने आपको कहाँ खड़ा देख रहे हैं? चलिए ठीक है, सवाल बहुत सारे हो सकते हैं बलिया से, लेकिन यहाँ का सफर कौन बनेगा प्रधानमंत्री का, बस इतना ही। आज बलिया से कौन बनेगा प्रधानमंत्री में, बस इतना ही। लेकिन एबीपी न्यूज के साथ कल शाम 7 से 8 भी जुड़िएगा, कल कौन बनेगा प्रधानमंत्री लाइव होगा मऊ से। आज बलिया की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बलिया के मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
आज लाइव डिबेट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।